बिग बॉस में सलमान खान के सामने हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज के लिए अपना प्यार कबूल कर लिया है। सर बट हो गया प्यार तो क्या करूं। लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर दूसरी ही कहानी चल रही है। आसिम के भाई उमर ने विकास गुप्ता की आलोचना की थी कि वे बिग बॉस के घर के अंदर झूठ फैला रहे हैं। वो झूठ क्या है? दरअसल विकास गुप्ता ने बिग बॉस के घर में आकर कहा था कि आसिम रियाज की बिग बॉस के घर के बाहर एक गर्लफ्रेंड है। वहीं आसिम का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, घर के बाहर उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। आसिम की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड श्रुति तुली ने कहा है कि वो सिर्फ आसिम की दोस्त है। शायद बिग बॉस के घर में आसिम का गेम कमजोर न हो, इसलिए श्रुति अपनी रिलेशनशिप छिपा रही हूँ। स्पॉट बॉय की रिपोर्ट के मुताबिक आसिम और उमर ने श्रुति से कहा है कि वो अपने रिश्ते को लेकर चुप रहें ताकि आसिम आराम से गेम खेल सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आसिम के भाई उमर और उनके पिता अहमद चौधरी हिमांशी खुराना के खिलाफ हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आसिम हिमांशी खुराना के साथ कोई कांटेक्ट भी रखें। इसका तो सीधा अर्थ यही है कि आसिम और हिमांशी के प्यार के दुश्मन बिग बॉस के घर में नहीं बल्कि शो के बाहर उनके अपने घर में। वही बिग बॉस के घर में आई हिमांशी खुराना की बात करें तो सलमान खान ने कल के एपिसोड में उनकी खूब क्लास लगाई है। सलमान खान ने कहा है कि हिमांशी बिग बॉस के घर में बाहर की बातें करते हैं, उन्होंने अरहान खान की बातें घर में की हैं, जबकि इस रियलिटी शो में बाहर की बातें करने की मनाही है। अब ऐसे में क्या सच है क्या झूठ है, ये तो सिर्फ आसिम और हिमांशी ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केकेडी न्यूज़।